हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जस्ट दोस्तों, दोनों में मिला करके 8-10 कोबरे के आसपास हैं दोनों। इनको रिलीज करने के लिए जंगल में लाए हैं और बने रही वीडियो के साथ फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को देख करके दोस्तों, इसको ये ना समझिएगा कि ये स्टंट है। इनको छोड़ते वक्त इनसे थोड़ी मौज मस्ती हम कर लेते हैं, क्योंकि इनको बचाते हैं, इन्हीं से हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है दोस्तों। और ये जीव ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने दिल में किसी बात का छल कपट नहीं रखते हैं, कोई मलाल नहीं रखते हैं, कोई बदले की भावना नहीं रखते हैं इंसानों की तरह। तो दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि आज जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो सबसे अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा की कई प्रजातियां, होता है सब इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, उसकी कई प्रजातियां अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे इंसान होता है, इंसान कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई सांवला है, तो कोई नटखट है कन्हैया की तरह, ऐसे ही जितने भी देखेंगे सब रंग बिरंगे, छोटे बड़े मोटे पतले, लेकिन सबका काम एक है, न्यूरोटॉक्सिस वेनमस, और काफ़ी जहरीले हैं। तो उनको यहाँ रिलीज़ करके अच्छा लगेगा और ऐसी जगह लेकर के आए हैं रिलीज़ करने के लिए। ये ऐसी जगह शायद है बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इंसानों का आना जाना बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं, ये किसी जानवर की हड्डी है, इसको किसी जीव ने खा करके यहीं पर छोड़ दिया है। और ये सूखी हड्डी है दोस्तों, यहीं पर शायद ये किसी बड़े जानवर की हड्डी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना हड्डी है, इसके दांतों से ऐसा फील होता है ये कोई बड़ा ही जानवर है दोस्तों, या तो बफेलो भी हो सकता है। आइए इस तरफ भी दिखाते हैं, ये कौन सी हड्डी है। तो दोस्तों, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो उसकी कमर की हड्डी थी और कूल्हे की हड्डी थी, वो उसका हेड था, सर था, और ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। तो यहीं पर अक्सर बहुत से सारे खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इन सांपों को यहीं पर रिलीज करेंगे। तो दोस्तों, इन जीव जंतुओं को मैं रिलीज़ करने के लिए लाया हूं जंगल में, और ये पावन सा जंगल है, इसलिए मैं चाहता हूं इनको यहीं पर रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इनको रिलीज़ करके मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं, और इसी को नाक कहते हैं, इसी को फेडार कहते हैं दोस्तों। इनको रिलीज़ करने के लिए इस जंगल में हम आए हुए हैं, लेकिन सावधान होने की बात यह है कि जब भी ऐसा सांप दिखाई दे तो एक एक्सपर्ट को ही बुलाया जाए, और कहीं से भी कोई ज़बरदस्ती, कोई छेड़छाड़ इनके साथ न किया जाए। और ध्यान रखिए, क्योंकि ये खतरा तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये एक साथ नर और मादा के रूप में हमेशा पाए जाते हैं। ठीक है, इनको हम जंगल में रिलीज करते हैं। तो ठीक दोस्तों, इनको मैं छोड़ दिया हूँ, ये भी जा रहे हैं अपने पर्यावरण में। एक दूसरे को बाइट करते हैं। तो दोस्तों, ये इनके, जाओ भाई, आप भी जाओ, ये गुस्से में अभी नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, इन जीव जंतुओं से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है दोस्तों, और आप सभी के लिए नहीं। इस वीडियो को देख करके ऐसी गलती आप ना कीजिए, नहीं तो खतरा तो हो भी सकता है दोस्तों, और नहीं भी हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है, और मिलते हैं फिर। आप भी जीव जंतुओं को बचाइए, आप भी जीव जंतुओं को बचाइए। मुझे पता है ये थोड़ा गुस्से में है, और जब आपका ध्यान भंग होगा तभी ये बाइट करेगा भाई।
सॉरी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अभी इनको रिलीज कर दिया जाए।